गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजुकेट पर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है FAS सिस्टम, यानी कि फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों तो दोस्तों देखा हमने, अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, लाइफ में। देखो आप कभी भी रोड पे जाते हो तो एम्बुलेंस का अलार्म बजता है, तो क्या करते हैं लोग दोस्तों, हम अगर एम्बुलेंस का साइनर हमें बज देता है तो इन इमरजेंसी है बोल के हम उसको रास्ता देते हैं दोस्तों, यानी कि जो एम्बुलेंस है उसको जाने के लिए, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस देते हैं दोस्तों। वैसा ही ये फायर फाइनल अलार्म होता है दोस्तों। तो ये फायर अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रायोरिटी अलार्म बोलते हैं दोस्तों। यानी कि हर एक अलार्म बहुत सारे होते हैं कंपनी में दोस्तों, हेल्ड और HO DOF, यानी कि जो भी अलार्म्स होते हैं, ट्रिगर अलार्म होता है, मोशन डिटेक्टर अलार्म होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है फायर अलार्म को दोस्तों। क्योंकि क्यों उसको प्रायोरिटी अलार्म दिया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी और जान की हानि होती है दोस्तों, इसलिए उसको प्रायोरिटी अलार्म बोलते हैं। तो दोस्तों ये फैस सिस्टम क्या करता है दोस्तों, किस तरह का भी अलार्म होता है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि दोस्तों इसका बताया जाता तो फायर अलार्म सिस्टम वर्क्स टू पीपल, फैन, स्मोक, फायर, कार्बन मोनोक्साइड और अदर फायर रिलेटेड इमरजेंसी आर डिटेक्टेड बाय स्मोक एंड हीट एंड NCB। यानी कि ये फायर अलार्म सिस्टम क्या करता है दोस्तों, पीपल को स्मोक, फायर, कार्बन मोनोक्साइड आदि फायर से रिलेटेड आदि जो चीजें उनसे फायर स्टार्ट होती है आदि इमरजेंसी को डिटेक्ट करने का काम करता है। कैसे? स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और NCB से। सो दोस्तों तो दोस्तों क्या होता है ये फायर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इज अ डिजाइनड टू अलर्ट अस टू एन इमरजेंसी टू दैट वी कैन द टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ स्टाफ एंड जनरल पब्लिक एंड अवर प्रॉपर्टी। यानी कि इमरजेंसी में आपको ये क्या करता है दोस्तों, एक डिजाइन बनाई गया है दोस्तों, वो हमें अलर्ट करता है इमरजेंसी में हमें क्या करने के लिए, तो उससे बचने के लिए एक्शन लेने के लिए दोस्तों। तो क्या क्या बचा सकते हैं हम दोस्तों, खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, स्टाफ की सेफ्टी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की सेफ्टी कर सकते हैं, और जो अदर जनरल पब्लिक रहेगी, एम्प्लॉय रहेगी, उनकी भी सेफ्टी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए फैस सिस्टम बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक फैस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है कॉन्वेंशनल फायर पैनल दोस्तों, फायर पैनल, और दूसरा होता है एड्रेसेबल फायर पैनल दोस्तों। तो कॉन्वेंशनल फायर पैनल है उसका दूसरा नाम है दोस्तों नॉन एड्रेसेबल, यानी कि दोस्तों एक कॉन्वेंशनल और नॉन एड्रेसेबल, उसके नाम में ही उसका मतितार्थ छुपा हुआ है दोस्तों। इन कॉन्वेंशनल यानी कि नॉन एड्रेसेबल जो भी फायर पैनल है वो क्या करता है दोस्तों, जो देखो अगर आपकी मल्टी टेन बिल्डिंग है दोस्तों, तो उसमें आपके कंपनी के 4 या 5 फ्लोर है दोस्तों, अगर फायर अलार्म बजता है 2nd फ्लोर पे, तो दोस्तों वो फायर पैनल में क्या बताएगा, नॉन एड्रेसेबल फ्लोर, नॉन एड्रेसेबल अगर फायर पैनल में आप देखोगे तो खाली आपको बताएगा 2nd फ्लोर, बस इतना ही आपको बताएगा। लेकिन 2nd फ्लोर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, क्रिटिकल रूम्स होते हैं, तो एक्चुअली लोकेशन वो नहीं बताएगा आपको, खाली फ्लोर बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये नॉन एड्रेसेबल जो भी फायर पैनल है वो इस तरह से, उसका डिसएडवांटेज है वो स्मॉल एरिया में ही बिठा सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक छोटी रूम है, घर है आपका तो उधर, ताकि आपको अगर वहां पे लोकेशन आपको फायर का अलर्ट आ जाए तो वहां पे आप जाए तो पूरा रूम आपको दिखना चाहिए दोस्तों। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कॉन्वेंशनल और नॉन एड्रेसेबल जो भी होता है फायर पैनल, वो शॉर्ट स्मॉल एरिया में बिठाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में जो एड्रेसेबल फायर पैनल होता है दोस्तों, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बड़ी यानी कि अगर वो दोस्तों अगर फायर पैनल अलार्म सिस्टम आपको बताती है, अलर्ट देती है कि ऐसा ऐसा इधर उधर फायर हुआ है, अगर आपकी मल्टी टेन बिल्डिंग होगी, अगर 4th फ्लोर पे भी आपका अलार्म हो गया तो वो पूरा डिटेल्स उसमें एड्रेसेबल बताएगा, 4th फ्लोर क्रिटिकल रूम दैट नंबर और दिस स्मोक डिटेक्टर नंबर आएगा दोस्तों। यानी कि वो पूरा एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन, अगर जहां पे आग लगे उसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन आपको बताएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों कैसे बताएगा वो, अगर पुणे में बोलेंगे हम नॉन एड्रेसेबल, क्या बोलेगा पुणे में आग लगी, लेकिन क्या होता है दोस्तों अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो पूरा डिटेल्स बोलेगा वो, पुणे में हडपसर एरिया में दिस लोकेशन में ICIC यहाँ पे फायर हो गई है, यानी कि पूरा आपको डिटेल्स देगा, कौन सा रोड है, कौन सी किधर कौन सी बिल्डिंग है, ये पूरा डिटेल्स देगा दोस्तों। तो ये एड्रेसेबल जो भी फायर पैनल है वो आपको पूरा डिटेल्स में देगा। उसके बाद में उसका जो भी उसके और टाइप्स होते हैं आयनाइजेशन वगैरह, तो उसका आयनाइजेशन यानी कि क्या होता है, आयनाइजेशन जो भी फायर पैनल है वो क्या करता है, आयनीकरण
आयनीकरण उसमें से जो 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 भी रिसोर्स है तो आयनीकरण होता है उसमें, और वो ज्वलनशील आग का पता लगाने के लिए आयनित वायु होना उसमें होता है, यानी कि ज्वलनशील जो भी एटम है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आयनेशन आयनीकरण यूज होता है। उसमें क्या होता है, आयनित वायु होता है, उससे वो धुआं या तो ज्वलनशील एटम को कैच करता है और आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। दूसरा होता है उसका फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि जो दोस्तों धीमी सुलगती हुई आग को या तो प्रकाश किरण होते हैं उसको वो डिटेक्ट करता है, यानी कि फोटोट्रॉप इलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण होता है वो थोड़ी, यानी कि अगर सीलिंग के ऊपर आपका सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारी वायरिंग्स है उधर, अगर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे धुआं निकल रहा है तो उसको डिटेक्ट करने का काम क्या करता है वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक फायर पैनल करता है दोस्तों, यानी कि सुलगती हुई और धीमी आग को आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है दोस्तों। और एक कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, इसमें फायर पैनल में क्या होता है दोस्तों, आयनीकरण और फोटो इलेक्ट्रिक ऐसे दोनों को डिटेक्ट करने का काम ये कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि दोनों को मिला के काम एक साथ ही वो डिटेक्ट करता है, यानी कि दोनों को मल्टीपल यूज करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा ये उसके टाइप्स कितने हैं, वो कैसे डिजाइन होता है, क्यों डिजाइन होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किस लिए बना है फायर पैनल। तो दोस्तों हम देखते हैं फायर पैनल सिस्टम क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट में फायर पैनल सिस्टम में होता है दोस्तों, आपका आता है फायर पैनल दोस्तों, यानी कि उसको फायर पैनल बोलते हैं, उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं दोस्तों, और उसमें एक रिपीटर पैनल भी होता है दोस्तों। अगर फायर पैनल आपके बीएमएस रूम है, बीएमएस सिस्टम है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे अगर फायर पैनल का मेन कंट्रोल रूम बनाया गया है उधर अगर कंट्रोल पैनल है तो दोस्तों रिपीटर पैनल आपके सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में रहेगा या तो अदरवाइज सेकंड फ्लोर या तो थर्ड फ्लोर में रहेगा। तो दोस्तों ये कंट्रोल पैनल क्या करता है, ये लोकेशन उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसका जो कनेक्शन है वो यूपीएस बैकअप से भी होता है दोस्तों, यानी कि कैसा होता है फायर लग जाती है तो दोस्तों क्या होता है आपकी मेन जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो भी सप्लाई वो कट ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद ये चलेगा कैसे दोस्तों, तो उसके लिए यूपीएस का ये क्या होता है दोस्तों, उसको कनेक्शन दिया हो जाता है। जब भी वो ऐसा फायर कट शुरू होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो उसके जो भी यूपीएस का बैकअप है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी पे वो चलता रहता है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। अगर ये यूपीएस की बैकअप भी कट हो गया तो दोस्तों क्या होता है, उसको खुद की बैटरी होती है दोस्तों, तो उसकी खुद की बैटरी पर भी वो चलता रहता है और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। फायर पैनल क्या देता है दोस्तों, आपको पूरा डिटेल्स देगा लोकेशन के साथ कि अगर जैसे अलार्म बजेगा तो ये फायर पैनल आपको अलर्ट करेगा, यानी कि उसमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा दोस्तों, आपको उसमें दिखाई देगा जो भी एड्रेस है उसका, लोकेशन है, परफेक्ट पिन पॉइंट है, कौन सा सुमेरिटेटर है, क्या उधर क्या हुआ है, अलर्ट कैसे हुआ है, ये उसमें लोकेशन आपको बताएगा। तो आप तुरंत उस लोकेशन पे जाके तहकीकात कर सकते हो किस लिए अलर्ट हुआ है, कैसे इमरजेंसी है, अगर उससे एक्शन कर ले सकते हो, उससे फाइट कर सकते हो दोस्तों। यानी कि फायर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी कंपनी की जानकारी देगा इमरजेंसी में दोस्तों। तो एड्रेसेबल होगा तो परफेक्ट आपको पिन पॉइंट बताएगा दोस्तों। तो उसमें दोस्तों अलर्ट होता है तो साइलेंट करने का भी बटन होता है और उसको रिसेट करने का भी, जब पूरी तहकीकात होगी तो आपको उसको रिसेट करने का भी उसमें बटन होता है दोस्तों। तो रिसेट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अलार्म साइलेंस आपका बजता ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कंट्रोल पैनल भी उसको बोलते हैं, और रिपीटर पैनल यानी कि जो भी आपका मेन कंट्रोल पैनल है उससे अलग एरिया में बात उसकी अलर्ट पहुंचाने के लिए रिपीटर पैनल होता है, और रिपीट आपको फायर पैनल ऐसा ही रिपीट करता है दोस्तों। तो दूसरा ये फायर सिस्टम का ये पहला पार्ट हुआ फायर पैनल दोस्तों, ये बहुत फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में दूसरा उसमें होता है कंपोनेंट डिटेक्टर दोस्तों। ये डिटेक्टर क्या करता है दोस्तों, डिटेक्टर उनके उसके नाम से ही उसको पता चलता है डिटेक्ट करने की, ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेक्ट करता है ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों इस डिटेक्टर में क्या क्या आता है दोस्तों, तो स्मोक डिटेक्टर आता है दोस्तों। तो ये स्मोक डिटेक्टर क्या होता है दोस्तों, उसमें आयनाइजेशन, लाइट सर्चिंग और लाइट ऑब्जॉर्बिंग ऐसे अधिक उसमें पार्ट होते हैं, यानी कि आयनाइजेशन भी करता है, लाइट ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट सर्चिंग भी करता है दोस्तों। तो स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, सीलिंग जो होती है कंपनी की वहां पे बिठाया होता है दोस्तों, उसके बाद में जो भी धुआं आपका स्मोक डस्ट वगैरह किधर भी आपका अगर थोड़ा आग लगने लगी उससे धुआं निकलने लगा तो भी ये डिटेक्ट करता है और फायर को अलर्ट कर देता है और आपको फायर का इंटीमेशन देता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो भी रिस्पांस इंडिकेटर रहता है दोस्तों, तो रिस्पांस इंडिकेटर क्या होता है, जो स्मोक डिटेक्टर होता है अबोव, यानी कि बिलो द सीलिंग होता है, सीलिंग के नीचे होता है, लेकिन ये रिस्पांस इंडिकेटर क्या करता है, अबोव द सीलिंग यानी कि सीलिंग का ऊपर का जो एरिया है उसमें जो भी आपकी वायर्स वगैरह लगी हुई थी, अगर ऊपर के एरिया में सीलिंग के ऊपर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगने की सुलगता है
तो स्कोर रिस्पॉन्स इंडिकेटर डिटेक्ट करता है दोस्तों। उसके बाद में हीट डिटेक्टर होता है दोस्तों। हीट डिटेक्टर क्या करता है दोस्तों, तो हीट डिटेक्टर सेट एज अ फिक्स टेम्परेचर को सेट किया होता है दोस्तों। तो वो क्या करता है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कौन से भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसमें से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर उसको बोलो 60 डिग्री पे फिक्स कर दिया, तो 60 डिग्री के आगे जाएगा टेम्परेचर, तो वो अलर्ट कर देगा, इनकी अलार्म मोड में जाएगा और आपको अलर्ट कर देगा दोस्तों। ये किधर किधर बैठा होता है दोस्तों, होटल्स देखो, या तो आपकी पेंट्री रहेगी, या तो आपका किचन रूम रहेगा, कैफेटेरिया रूम रहेगा, इधर ही स्मोक हीट डिटेक्टर बैठा होता है दोस्तों। और इस स्मोक डिटेक्टर का लोकेशन होता है हर एक फ्लोर पे, जिधर जिधर आपको चाहिए उधर वो आप बैठा सकते दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ वाला जो टाइप है दोस्तों, तो है हुटर। हुटर क्या करता है दोस्तों, जो भी उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक होता है उससे रेंज निकलते हैं, उससे वो क्या करता है, जो भी फायर लग जाती है तो उसको आपको बजर या साइनर सुनाई देगा, जैसे कि एम्बुलेंस का साइनर आपको सुनाई देता है दोस्तों, या तो पुलिस वैन का वायरलेस का साइरन आपको सुनाई देता है। उसी तरह से जैसे कि आपको एम्बुलेंस का साइनर सुनाई देता है, या तो पुलिस वैन का वायरलेस का साइनर जैसे ही साउंड आपको सुनाई देता है, तो आपको क्या पता चलता है, एज ए इमरजेंसी। तो उसी तरह से वो कंपनी में भी क्या करता है, हुटर बजता रहता है, जैसे कि एम्बुलेंस का साइनर हो या पुलिस वैन का साइनर हो, उसी तरह से इन्फॉर्म करता है कि आज अलर्ट हुआ है, यानी कि फायर इमरजेंसी हुई, आप मूवमेंट करो, यानी कि आपको एक्शन टेकन लेने की वो क्या करता है, इंडिकेशन देता है दोस्तों। तो उसके बाद में स्ट्रोब लाइट रहती है दोस्तों। तो स्ट्रोब लाइट क्या होता है, उस जब आपका फायर पैनल एक्टिव होता है, हुटर बजने लगता है, तो उसी दौरान ये फायर स्ट्रोब लाइट भी एक्टिव होती है और वो ब्लिंकिंग करती रहती है, और आपको इमरजेंसी में जाने के लिए राह दिखाती है दोस्तों, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट का रोड दिखाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब उसके बाद में आपको क्या होता है, कंट्रोल मॉड्यूल होता है दोस्तों। एक कंट्रोल मॉड्यूल क्या काम करता है दोस्तों, तो कंट्रोल मॉड्यूल हुटर के बीच में जो भी सप्लाई है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है कंट्रोल पैनल दोस्तों। यानी कि उसमें जो भी कंट्रोल मॉड्यूल है वो क्या करता है, जब भी अगर फायर इमरजेंसी होती है तो ये सप्लाई हुटर के बीच में से आगे सप्लाई करता है, और जो भी मेन डोर्स है, आपकी जो भी डोर्स है उसको ठीक अपने आप ओपन होने की अनुमति देता है, यानी कि इन कंट्रोल पैनल जो भी डोर हो गए, फायर एग्जिट हो गए, फायर कर्टन्स हो गए, उसको अपने आप खुलने की अनुमति देता है ये कंट्रोल मॉड्यूल दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में होता है इनपुट मॉड्यूल, वो क्या करता है, फायर अलार्म का सिग्नल लेने का काम करता है, यानी कि फायर अलार्म जैसे बजता है तो उसको सिग्नल को लेकर कंट्रोल पैनल की तरफ पास करने की ये भूमिका करता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फ्लो स्विच होते हैं दोस्तों। फ्लो स्विच किस लिए होते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा फायर पैनल के दौरान क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है दोस्तों। तो वो जैसे ही फायर पैनल अलर्ट होता है, तो ये जो भी फ्लो स्विच है वो फट जाता है और स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है अपना वर्किंग दोस्तों, यानी कि फ्लो स्विच भी डिटेक्ट करता है आपको कि फायर लग गई है कौन सी आइटम में। उसके बाद में होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर कैसे होता है, उसमें दोस्तों जो भी आपकी गैस कंपनीज होगी उसमें क्या होता है, बॉयलर्स होगी, गैस कंपनी होगी, गैस फायर और बॉयलर्स, उसमें फायर अगर लग जाती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जो भी विषारी गैस होता है उसको डिटेक्ट कर और क्या होता है, अलर्ट कर देता है दोस्तों। यानी कि जो भी गैस कंपनी हो या बॉयलर की बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपको डिटेक्ट करने के लिए बिठाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पीआईआर क्या होता है, तो दोस्तों पैसिव इंफ्रारेड, ये जो भी आपका ये मोशन डिटेक्टर का अलग पार्ट है दोस्तों, ये पीआईआर रेज भी क्या करता है, अगर मोशन डिटेक्टर अलाउंस जैसा होता है तो उसमें अगर कुछ मूवमेंट होता है तो पीआईआर रेज पैसिव इंफ्रारेड आपको इंडिकेट करता है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद में होता है मल्टी सेंसर डिटेक्टर, यानी कि जो हमने देखा कि अलग अलग मानो स्मोक डिटेक्टर बोलो या तो हीट डिटेक्टर या अलग अलग देते हैं, लेकिन ये मल्टी सेंसर डिटेक्टर क्या करता है, जो इसके लिए अलग अलग बिठाया जाता है, तो लेकिन ये मल्टी सेंसर होता है, वो कौन सी भी सेंस हो तो डिटेक्ट करता है और बहु काम करने का वर्क करने का ये काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने देखा ये फैस पैनल यानी कि फायर अलार्म सिस्टम, अगर ये सब डिटेक्टर काम करते हैं तो ये सब, अगर मानो दोस्तों ऐसा हुआ कि फायर लग गई है दोस्तों, तो किधर भी आपको ये जो भी डिटेक्टर है, हुटर है, हीट डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, रिस्पॉन्स इंडिकेटर है, जो भी फायर पैनल है, ये सब करना बंद हो गए दोस्तों। यानी कि ये टेक्निकल होता है, कभी कभी उसमें बिगाड़ जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर आप फ्लोर पे है, आप देख रहे हैं आपको फायर लगी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों,
तो दोस्तों टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये जो भी टेक्निकल सिक्योरिटी है वो आपके काम नहीं कर रही है तो आपको अगर लोगों को अलर्ट करना है तो दोस्तों उस टाइम आपको क्या यूज करना है दोस्तों, तो एमसीक्यू यूज करना है दोस्तों, यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट इसका यूज करना है दोस्तों। यानी कि जो भी आप देखेंगे एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट पे आपको एक लाल कलर का बॉक्स दिखाई देगा, वो एमसीपी बिठाया होता है, उसको या तो ब्रेक ग्लास करके यानी कि तोड़ के उसको एक्टिव कर सकती है या तो पुल डाउन करके उसको एक्टिव कर सकती है दोस्तों। यानी कि एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, जो जैसे भी आप एमसीपी आप पुल आउट करेंगे तो पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा और हर सब लोगों को पता चल जाएगा कि फायर इमरजेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने देखा है फैस सिस्टम, यानी कि एफएसी फायर अलार्म सिस्टम होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स कैसे है, दो टाइप्स होते हैं नॉन एड्रेसेबल एड्रेसेबल, उससे के साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम फायर पैनल्स का यूज करके, उसके टाइप्स कितने होते हैं, आयनीकरण, फोटो इलेक्ट्रिसिटी और कॉम्पेंसेशन, उसमें उसके बाद में क्या क्या उसमें पार्ट्स आते हैं, जो जो क्या क्या भूमिकाएं अपनी निभाती है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे स्मोक डिटेक्टर, फायर पैनल, कंट्रोल पैनल, हीट डिटेक्टर, हुटर, स्ट्रोब लाइट, कंट्रोल मॉडल, इनपुट मॉडल, फ्लो स्विच, कर्मा मोमेंट डिटेक्टर, एमसीपी, पीआरएस सिस्टम और मल्टी सेंसर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।